अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम अरबी कॉलेज जो डोंगरी चारनल पाला गली में है वहाँ पर है। हमारे साथ में जो है कॉलेज का प्रिंसिपल है और मैं खुद अब्दुल रहमान सीएच इस कॉलेज का कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ के बच्चों ने कॉलेज के बच्चों ने तकरीबन 65 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर स्कूल का पूरा सिलेबस और प्लस दीनी दवा के हिसाब से जो है यहाँ पर कुरान हदीस तफसीर हर चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 12 साल का कोर्स कंप्लीट करने से जो बच्चा आलिम भी बनता है और दीनी दवा करने के लिए भी जो है वो पूरा मुकम्मल जो है एक आलिम के हिसाब से वो दवा कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो है दुनियादारी के लिए भी मतलब कहीं भी नौकरी करना हर मतलब एक अच्छा मुकर्रर अच्छा बयान करने का एबिलिटी लिखने का एबिलिटी साथ साथ में फुल कंप्यूटर लिटरेचर पूरा देकर के जो है ज़िंदगी का हर मकाम पे जो है कामयाब होने के हिसाब से भी बच्चों को यहाँ से 12 साल का कोर्स देकर के मतलब सनद दिया जाता है। इसका मेन इदारा जो है केरला के अंदर है जो दारुलुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और दारुलुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अलदर यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज है और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे दुनिया का हर कोने में माशाल्लाह काम कर रहा है। BBC में काम कर रहा है, JNU में जो है फैकल्टी में है और जाने माने बहुत सारे जो है इस्लामिक प्रीचर्स जो है यहाँ से दारुलुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी से ये सनद पूरा करके निकला हुआ है। मेरे साथ में यहाँ का प्रिंसिपल है मोहम्मद नौफल उदवी, वो भी इस इदारे के बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हम लोग जो आज बच्चों ने ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो एक प्रोग्राम यहाँ पर किया, बहुत सारे चीज़ें इन्होंने अपने हाथों से अपने मेहनत से बनाया हुआ है और वो नज़ारा भी पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। प्रिंसिपल साहब के बात इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। हम आज कुव्वतुल इस्लाम अरबी कॉलेज के हमारे बच्चों ने हमने लगभग 15-20 दिन पहले बच्चों को एक कॉल दिया था एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट गैलरी का एक एग्जीबिशन के लिए कॉल दिया था। बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें अपने मेहनत से जो वेस्ट होकर फेंकी जाती हैं प्लास्टिक्स हो या कार्डबोर्ड हो पेपर्स हो इन सारी चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे अंदाज में यूज़फुल इसको किस तरह किया जाता है इसका एक एग्जीबिशन इन्होंने यहाँ पर पेश किया है। बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल के भी पढ़ाई हम देते हैं, साइंस बच्चे पढ़ते हैं, साइंस के बहुत सारे मॉडल्स यहाँ इन्होंने पेश किया है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। बच्चे यहाँ हैं हमारे, ये बच्चे हैं हमारे इस एरिया का मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MLA हैं वो यहाँ आकर आज सुबह इसको इनॉग्रेशन किए हैं। ये हमारा एंट्रेंस है एक्सपो का, किसा यानी कुव्वतुल इस्लाम स्टूडेंट्स एसोसिएशन किसा आर्ट्स एंड साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट गैलरी है ये। हम आपको अंदर के सफ़र में ले जाना चाहते हैं। आज का इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन और चीफ गेस्ट हमारे मुंबा देवी के MLA अमीन पटेल साहब थे और डोंगरी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दीपक बागड़ीकर भी साथ में थे और प्रोग्राम्स पूरा हुआ है। बाकी हम आपको जो है इसके मतलब जो जो बच्चों ने बनाया है उसको और उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देते क्या चीज़ है और कैसा बनाया लोग। तो आइए ये एंट्रेंस है एग्जीबिशन का और आपको बताते हैं बच्चों ने क्या क्या बनाया है और ये ट्रॉफीज़ है जो अलग अलग बच्चों ने इसमें जीता है कॉम्पिटिशन से जीता है। और ये फाउंटेन का एक मॉडल बच्चों ने तैयार किया है। ये प्लास्टिक का बॉटल है, उसमें प्लास्टिक का बॉटल और ग्लास को मिलाकर वाइट वॉश वाइट सीमेंट से इन्होंने इस चीज़ को तैयार किया है और इसको एक फाउंटेन का एक वेस्ट चीज़ को जिस तरह रीयूज किया जा सकता है एक मॉडल इन्होंने पेश किया है। यहाँ पर ये एक पीछे एक मोटर लगी हुई है, इससे ये वाटर रिसाइकल होते जा रहा है उस ट्रे से। और ये सेकंड वन ये है गुलदस्ता इन्होंने बनाया है, प्लास्टिक ग्लास से है ये, वेस्ट ग्लास से इस चीज़ को इन्होंने इस तरह तैयार किया है। सीमेंट लगाकर सीमेंट लगाकर व्हाइट सीमेंट से इसको
इस चीज़ को इन्होंने मजबूत बनाया, पेंट करके रखा है। और ये न्यूज़पेपर से पेपर को इन्होंने मोड़कर एक बॉक्स बनाया है। सिर्फ पेपर ही इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये सिम्बोसियम है, इटली का सिम्बोसियम का एक मॉडल इन्होंने बनाया है बहुत अच्छे अंदाज में। कार्डबोर्ड से इस चीज़ को बनाया गया है। और यहाँ पर बच्चों ने अपने माइंड से एक वेस्ट चीज़ों को जिस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका एक मॉडल ये इससे पेश किए हैं। एक किला है, फोर्ट है, सिर्फ प्लास्टिक के बोतल से, ग्लास से इस चीज़ को इन्होंने बनाया है पेंटिंग करके। ये काबे का मॉडल बच्चे ने तैयार किया है। और ये दिखाइए, ये माच स्टिक से एक सोफा का मॉडल माच स्टिक से बनाया गया है, मैचिस के कंडी से बनाया गया, मैच स्टिक से। एक अली ड्राइंग है बच्चों का। और एक घर है ना, ये घर का मॉडल है। और ये पेपर बैग है, बास्केट बनाया गया है पेपर को इस्तेमाल करके। और ये सब बच्चों ने वेस्ट चीज़ों से आइसक्रीम स्टिक वगैरह को रीयूज करने का एक मॉडल है, सारी चीज़ों में इन्होंने पेश किया है। यहाँ पर एक मोबाइल रखने का मोबाइल होल्डर यहाँ पर रखा गया है। एक कार्डबोर्ड से कार तैयार किया गया और ये चलता भी है बैटरी के जरिए से। यहाँ पर एक टोपी पेपर से तुर्की टोपी को, रूमी टोपी को मॉडल बनाया गया है। एक वेस्ट चीज से कंपोस्ट की तैयार कंपोस्ट बॉक्स बनाया गया है, ओपन कर सकते बंद कर सकते। और ये एक मंदिर का मॉडल है। इसमें इस एग्जीबिशन का एक खासियत ये है, एक तरफ जो है काबा का मॉडल बनाया गया है और एक तरफ जो है एक मंदिर का भी मॉडल बनाया गया है। इसमें बहुत बढ़िया एक मैसेज यहाँ के कॉलेज के बच्चे दे रहा है, देश की इंटीग्रिटी और सभ्यता और एकजहती का एक बहुत बड़ा मैसेज जो सबसे आज हमारे देश को ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा एक मैसेज बच्चों ने यहाँ पर दिया है। ये है घर, फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा अबू साद नाम का लड़के ने बनाया है। ये एक लाइट हाउस का मॉडल बच्चों ने तैयार किया है। और आइसक्रीम के स्टिक से इन्होंने एक शिप उठाया, उसको जहाज को बनाया है। वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक मॉडल पेश किया है। और यहाँ पर बच्चे ने लंदन ब्रिज का एक मॉडल पेश किया है, जहाँ पर नीचे जहाज़ आता है तो गेट ऑटोमेटिक खुलने का एक ऑप्शन भी इसमें बच्चे ने लगाया है। फोर्स से इस चीज़ ऑटोमेटिक बनाया गया है। और यह है कैलीग्राफी का मॉडल्स हैं, एप्पल से कैलीग्राफी बनाया गया है। और ये ख़त्म हो गया, ये ऑटोमेटिक मशीन है, चॉकलेट डिस्पेंसर है इसको, इसमें दबाया जाने से नीचे से चॉकलेट निकलता है। अभी ये चॉकलेट ख़त्म हो गया, बच्चों ने ले लिया। ये वेस्ट चीज़ से बच्चे ने कार तैयार किया है जो चलता भी है, चलता भी है। बैटरी इसमें नीचे बैटरी का ऑप्शन भी है, चलता भी है वो, ये स्विच डालने से ये चलता है। ये देखिए, स्विच डालने से ये चलता है, चलता है, ऑफ है। नेक्स्ट ये कैलीग्राफी है बच्चे का। और ये बच्चे ने अपने हाथों से बनाया, हाथों से खुद अमीन पटेल साहब को बनाया, पसंद आया। ये पेन पॉट है, पेन रखने के लिए पेपर से बच्चों ने तैयार किया है इस चीज़ को। ये लैंप हैं, सब वेस्ट चीज़ों को रीयूज करने का। इसमें सबसे बढ़िया जो है इनका काम कैलीग्राफी का है, जो यहाँ के यहाँ पर जो है एक से पाँचवीं तक के बच्चे हैं। और ये उसी मतलब फर्स्ट टू फोर्थ मतलब फिफ्थ तक का अलग अलग क्लास के बच्चों ने ये बनाया है।
और इसमें सबसे बढ़िया जो है ये है, कैलीग्राफी में सबसे बढ़िया जो है, देखिए कैलीग्राफी का राइटिंग के जरिए से ये लोग ने घोड़े को बनाया है। ये एग्जीबिशन शाम तक चलेगा, जो भी देखना चाहे इधर आकर के ये डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ का उस्ताद है शकुन उस्ताद, ये दूसरी बार यहाँ पर इस किस्म का एग्जीबिशन हो रहा है, और ये एग्जीबिशन जो जो बच्चों ने इसमें पार्ट लिया उनको सबको जो है, जो जीता है उसको सबको इनाम दिया गया है, जिसका चीफ गेस्ट एमएलए अमीन पटेल साहब था और डोंगरी पुलिस स्टेशन सीनियर संदीप बगड़ेकर साहब भी जो है इसमें शामिल था, और हम लोग सब इसमें था, और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ किया, सबको इनाम भी दिया गया। यह अगला फोर्थ स्टैंडर्ड के हमारे बच्चे हैं, एक प्लास्टिक के बोतल को इस्तेमाल करके एक फाउंटेन इन्होंने तैयार किया है। मोटर यहाँ पर लगी हुई है और लाइटिंग्स भी इसके साथ दिए हैं। एक अच्छे अंदाज में चीज़ों को, वेस्ट को इस्तेमाल रीयूज करने का एक नमूना इसमें पेश किया है, और इसके साथ साथ बच्चों ने हैंड राइटिंग रिटर्न बहुत कैलीग्राफी तैयार किए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों पे सब लगी है, ये सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है, कैलीग्राफी है यहाँ पर है। ये एक साइंस का मॉडल है, एक वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर को बताने का। ये इसमें जब ये ओपन किया जा रहा है, इसका ढक्कन ओपन किया जाता है तो एयर प्रेशर होता है, उसके अंदर एयर जाता है तो पानी बाहर निकलने लगता है। जब इसको बंद किया जाता है, एयर प्रेशर ख़त्म हो गया तो पानी रुक जाता है। एक गेमिंग का, एक बच्चों का एंटरटेनमेंट का एक यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया है, बैटिंग जोन है। यहाँ पर बॉल लगाया जाता है, घूम के वापस नीचे से यहीं आ जाता है, और ये कैलीग्राफी का एक ऑप्शन यहाँ पर बनाए हैं। ये एक आर्टिफिशियल, बच्चों ने वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करके एक फाउंटेन का मॉडल तैयार किए हैं। इंडिया गेट के एक मॉडल यहाँ पर बनाए हैं, और नेक्स्ट एक कैलीग्राफी ज़बरदस्त बनाया गया है यहाँ पर, एक घर का मॉडल, ये कैलीग्राफी है, और ये बच्चों ने अपने हाथों से बनाया हुआ, सब बच्चों का हैंडमेड है, बच्चों ने खुद से हाथ से लिखा है चीज़ को। ये घर का एक मॉडल बच्चे ने तैयार किया है यहाँ पर। ये माच स्टिक से टैंक बनाया गया है, बहुत अच्छे अंदाज में इसको बच्चे ने बनाया है, वेस्ट को इस्तेमाल करने का एक मॉडल दिखाया है। ये पेन स्टैंड है, ये घर का मॉडल है, सिर्फ कार्डबोर्ड और आइस कैंडी स्टिक से बनाया गया है। यहाँ पर एक जहाज का मॉडल है, एक आबशार वाटरफॉल का मॉडल है, और इसमें एक कैरी बैग, पेपर से बनाया हुआ एक कैरी बैग है, लेडीज एक एंटी कैरी बैग। और ये बच्चे ने लैपटॉप का मॉडल तैयार किया है, विंडोज 8 का सिस्टम इसमें चल रहा है, और ये एरोप्लेन का मॉडल है, उड़ता भी है, और यहाँ पर मोटर और ये जहाज का मॉडल बनाया गया है माच स्टिक से, और लैंप का बहुत सारे मॉडल्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, सब ये क्या बोले वेस्ट माच स्टिक से, कैंडी स्टिक से, आइस कैंडी स्टिक से बनाया गया है। और ये बुर्ज खलीफा का मॉडल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे ऊंचा बिल्डिंग जो दुबई में है, बुर्ज खलीफा, उसको बच्चों ने बनाया है।
ये फिर और एक घर का मॉडल बनाया गया है, गार्डन वगैरह, गार्डन और कार पार्क और फर्स्ट फ्लोर पर जाने का सीढ़ी, सब मिला करके बच्चों ने बनाया है। और फिर यहाँ पर लैंप्स है, कैलीग्राफी है, ये बच्चों ने अपने हाथों से लिखा है, ये यहाँ के बच्चों ने। बैलगाड़ी, हाँ ये बैलगाड़ी बनाया है इन्होंने, बैल भी नीचे है। अच्छा अच्छा, ये डिस्पेंसर है, जम्स डिस्पेंसर, लेकिन जम्स ये लोग ने कहा के ख़त्म कर दिया है, हम लोग के लिए रखा नहीं है। ये और एक जो है ज्वेलरी बॉक्स है, बहुत बढ़िया बनाया है, संदूक, जो पुराने ज़माने के संदूक है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, उसको ब्रेक करना।